इसके पहले भी लोकसभा में प्रत्याशी आते थे, इसके पहले भी हमको कमल का फूल का बटन दबाने के लिए, मोहर लगाने के लिए कहा जाता था, लेकिन हरिओम पांडे जी को हम सिर्फ इसलिए वोट दिए थे कि हमको इस देश को एक ऐसे हाथों में देना है जिसमें देश सुरक्षित हो, हमारे धर्म सुरक्षित हो, हम सुरक्षित हो और हमारी सीमाएं सुरक्षित हो। उत्तर प्रदेश में जब 2017 में हम सभी आपके बीच में आने का काम किए थे, इस विधानसभा का दुर्भाग्य था कि अपने बीच में जो आज प्रत्याशी ग्रुप में अवधेश त्रिवेदी जी बैठे हैं, हमारा दुर्भाग्य था कि हम कमजोर पड़ गए। और ये गलती कहीं आपसे ना हो जाए यही बताने आज रघुवर दास जी झारखंड प्रदेश से चलकर आए हैं, क्योंकि झारखंड प्रदेश के जो इनके विपक्ष जो आज वहां पर शिबू सोरेन की सरकार बनी है, उन लोगों ने तमाम प्रकार के झूठे लुभावने नारे वादे करके और अपनी सरकार बनाने का जो उन्होंने काम किया है, आज एक पैसे की मदद वहां की जनता नहीं पा रही है। यही बताने आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में आए हैं कि जो गलती झारखंड की जनता ने किया, कहीं गलती से वो गलती उत्तर प्रदेश की जनता से ना हो जाए, वही आगाह करने आए हैं। तो जरा आप अपना ये गमछा ये कंधे पे मत रखिए और जरा उठाइए अपने हाथ में और लहराइए खूब कस के, मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करिए कि हम सभी एक साथ आने वाली 3 तारीख को भोजन भरी थाली पर इतना ज्यादा बटन दबाएंगे, इतना ज्यादा बटन दबाएंगे। और अभी जब संजय जी आए थे आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा था अभी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अभी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं सुन रहा था, मंच पे था, उन्होंने कहा आदरणीय अवधेश त्रिवेदी जी को विधायक बनाकर लखनऊ आप भेजिए, मंत्री बनाकर लखनऊ से कटहरी मैं भेजूंगा। तो आपको करना है कि आप किसके साथ खड़े होना चाहते हैं। इसलिए आज जाति पात के बंधन से ऊपर उठिए, राष्ट्र रहेगा तब हम रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा तब हम रहेंगे। इसलिए आपके श्री चरणों में निवेदन करने आया हूँ कि देखो मेरे वीरों, अपने खून पर ये इल्जाम ना आए और माँ ना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। आज अवधेश त्रिवेदी के साथ नहीं खड़े होना है। आज सत्ता